Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN24. Hi everyone, I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN24 International News Network. ओपन प्लेटफॉर्म इंडिया नागपुर के कलाकारों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। ऐसे ही कलाकारों को फिल्मी जगत में अपने सफर को पूरा करने के लिए रायसोनी कॉलेज में मल्टी टैलेंटेड ऑडिशन लिए गए, जहां कलाकारों में कला के प्रति जो उत्सुकता है उसे बढ़ाने में मदद की गई। यह ऑडिशन रुजय वेंचर प्रेजेंट था। रुजय वेंचर के कर्मचारी रुमिल डी शर्मा ने INN24 से खास बातचीत में बताया कि जो कलाकार फिल्मी जगत में कार्य करना चाहते हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसी कमी को पूरा करने के लिए आज ये ऑडिशन लिए हैं, जहां हम अच्छे कलाकारों को चुनकर आने वाले प्रोजेक्ट में काम देने वाले हैं। साथ ही डायरेक्टर विजय जदो ने भी INN24 से खास बातचीत में बताया कि कलाकारों को आगे बढ़ावा देंगे और साथ ही हमारे कार्यों से उन्हें लोग जानने लगेंगे, जिस वजह से फिल्मी दुनिया में उन्हें काम मिलने में आसानी हो जाएगी। आज हुए ऑडिशन में खासकर ओपीआई और INN24 न्यूज़ का बड़ा योगदान रहा। ओपीआई के डायरेक्टर परेश ने कहा कि ओपन प्लेटफॉर्म इंडिया कलाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़कर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आज यहां आए सभी पार्टिसिपेंट ने INN24 न्यूज से खास बातचीत कर ऑर्गेनाइजेशन और INN24 न्यूज का धन्यवाद किया। जिस तरीके से कहा जाता है समुद्र पे एक तालीम पाना, तालीम को लेने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो हमें तालीम पाने के लिए चीन जाना पड़ता है। उसी तरीके से दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं, हुनर, अपने अंदर क्या हुनर है, अपने अंदर क्या गुण है, उन सब चीजों को दिखाने के लिए अगर महानगरी मुंबई की अगर मैं बात करता हूं तो मुंबई जाने के लिए भी हमारे पास हुनर होना, हमारी कलाएं होना, डांसिंग की बात की जाए, चाहे एक्टिंग की बात की जाए, चाहे कॉमेडी की बात की जाए, हर चीज के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं उसके लिए हुनर लगता है। और उसी के लिए आज रायसोनी कॉलेज में मुंबई से आकर एक इवेंट ने यहां पर लिया है और बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरे विदर्भ नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अलग अलग स्तरों पर इवेंट लिया जाता है और उनके कलाओं को सामने पेश किया जाता है ताकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। आज मेरे साथ तो यहाँ मौजूद है बहुत से लोग विदर्भ से यहाँ मौजूद है जो पार्टिसिपेट किए हैं। किस चीज के लिए आपने पार्टिसिपेट? मैंने डांस किया था और एक्टिंग भी की थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रुजय वेंचर्स ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मिस्टेक्स से भी सीखा है कि आगे वो मिस्टेक्स रिपीट ना करे करके। कितने वर्षों से आप इसमें लगे हुए हैं, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो 2-3 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, की एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, डांस के लिए तो अभी चालू किया। ओके, आप विदर्भ से किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं प्रॉपर नागपुर से बिलोंग करता हूं और जब मैं यहां पे आया तो बहुत अच्छा सेटअप था, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत इन्हें सराहनीय था। मैं जो परफॉर्म किया मैंने तो वो उतना अच्छा नहीं था, पर मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि तुमने जो किया, जजेस के सामने गए और वहां पे जो परफॉर्म किया विदाउट मर्मरिंग या किसी भी तरीके से हकलाए नहीं, सीधे तुमने बात की, वही बहुत बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कहीं पे भी। हर्ष वासवानी। किस एक्टिंग को लेके, किस हुनर को लेके, कला को लेके आप यहाँ इस मंच में सामने आए? टुडे आई एम परफॉर्मिंग डांसिंग। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू मी, थैंक्स टू रुजय वेंचर सर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ अपने टैलेंट प्रेजेंट कर सके, एंड थैंक यू INN24 जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, थैंक यू। क्या लगता है आपको कि जिस चीज के लिए आप अपने हुनर को, अपने काबिलियत को सामने रख रहे हैं सिलेक्शन में और फिर बॉलीवुड में कदम रखने के लिए, क्या मोटो है आपका? मुझे तो बहुत प्राउड फील है कि मुझे विजय वेंचर के प्लेटफॉर्म पे आने को मिला एंड देन मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं सोच नहीं सकती हूँ और देन बहुत हैप्पी। देखिए जैसा इन्होंने बात किया, हैप्पी हैं, बहुत खुशी उनको हो रही है यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद जो हुनर से जो कला है उनको पेश करने के लिए क्या वाकई पे लगता है कि हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो करनी पड़ेगी बिकॉज कोई भी चीज विदाउट मेहनत तो नहीं मिल पाएगी। और रुजय वेंचर्स प्रेजेंट बिगेस्ट डांस ऑडिशंस बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, कुछ गलतियां हुई उससे
उससे थोड़ी बहुत मतलब पता भी चला कि ये गलत है या नेक्स्ट टाइम फोकस करेंगे इन सब चीजों। थैंक यू सो मच। किस कला को लेके, कौन से हुनर को लेके आप इस प्लेटफॉर्म पे सामने? जी, मैंने डांस परफॉर्म किया था और एक्टिंग भी की थी। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी रुजे वेंचर्स को, जिन्होंने मुझे इसके पहले भी एक चांस दिया था द लास्ट वन मूवी में, जो कि 22 अवार्ड्स लेकर आई है, जिसमें मैंने भी एक अवार्ड पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीम एंड वेंचर्स। विदर्भ में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका नाम और किस चीज को लेके क्या लगता है आपको, आपके अंदर जो काबिलियत है वो सबसे सारी निखरना चाहिए? मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ, डांसिंग में भी अच्छी हूँ, मैं नागपुर से हूँ। थैंक यू। मैंने डांसिंग की है। सबसे पहले तो यहाँ पे परफॉर्मेंस करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ये फील हुआ है कि मैं आगे जाके कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है और एक्टिंग भी मैंने अच्छी की है, तो और कर सकती हूँ मैं सामने जाके, तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। कहीं ना कहीं अपनी कलाओं को लेके, अपने हुनर को लेके सारे व्यक्ति जो विदर्भ से पार्टिसिपेट किए, हर किसी को लगता है कि मेरा नाम सामने आना चाहिए, मैं सिलेक्ट होना चाहिए, अपनी कलाओं को सामने रखना चाहिए। महानगरी जाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है और हर किसी की ख्वाहिश भगवान पूरी करे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, विदर्भ के जितने भी छात्र की बात की जाए या जिसके पास कलाएं हुनर थी, सबने पार्टिसिपेट किया है और उनके जो इवेंट मुंबई से लेकर महानगरी से लेकर ऑरेंज नगरी पे आते हैं, और विदर्भ, पूरे विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ से टैलेंटेड बच्चों को उठाया जाता है, वो डांसिंग पे हो चाहे एक्टिंग पे हो, जो भी रोल्स वो प्ले कर सकते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ले जाने का वो हमेशा प्रयास करते हैं और नागपुर पे आके बहुत अच्छा उनको एक रिजल्ट मिलता है। आप अपना नाम बताओ, कितने वर्षों से आप नागपुर पे आके अपने 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 बैनर के माध्यम से कितने विदर्भ बच्चों को आपने मुंबई तक भेजा है? मेरा नाम आरडी शर्मा है, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं और पिछले मैं 3 साल से काम कर रहा हूं इस चीज पे कि मैं नए यूथ को, नए टैलेंट को आगे बढ़ा सकूं और विदर्भ में जो टैलेंट है उसको मुंबई तक ले जा सकूं। और अभी तक मैंने मिनिमम 100 स्टूडेंट्स को मैंने अपनी फिल्म प्लस दूसरों जो मेरे फ्रेंड्स हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनके प्रोजेक्ट में मैंने उनको काम दिलवाया है। आगे आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा, विदर्भ की अगर बात की जाए, नागपुर की बात की जाए, आगे इसके आगे और क्या प्रोजेक्ट रहेगा? अभी अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट, आने वाले प्रोजेक्ट हैं, एक पंजाबी म्यूजिक पॉप एल्बम है लग तेरा करवी, जिसमें एक स्लैब है लोपा मुद्रा, आप सब जानते हैं उनको, और इसके अलावा हमारी पंजाबी और 2 म्यूजिक एल्बम आ रही हैं और 2 मराठी मूवी आ रही हैं और 1 शॉर्ट फिल्म आ रही है। तो हमारा आज उद्देश्य ये था ऑडिशंस लेने का यहाँ विदर्भ में, नागपुर शहर में, कि मैं आने वाले इन प्रोजेक्ट्स में नए चेहरों को आगे से आएगा, उनको टैलेंट का, उनके टैलेंट का हुनर देखकर उनको हम काम दिला सके और मुंबई में वो प्लेटफॉर्म दे सके जो आज तक उन्हें नहीं मिला है। मेरे साथ मिस्टर रोशन मौजूद है जो नागपुर से बिलोंग करते हैं और एक डांसिंग की अगर बात की जाए तो डांसिंग की क्लासेस भी वो चलाते हैं, बहुत से छात्र हैं उनके साथ पे है और होम में भी जाके वो सर्विस दिया करते हैं। मिस्टर रोशन, आपके पास से अभी तक कितने छात्र निकले? हेलो, मेरा नाम है रोशन अगासे और मैं एक कोरियोग्राफर हूँ। जब मुझे पता चला है कि नागपुर का बिगेस्ट डांस ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि रोमिल सर और विजय सर ने मुझे बताया है कि यहाँ बहुत बड़ा मल्टी टैलेंट ऑडिशन होने वाला है, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और मुझे पता है कि ये जो एक स्टेज है, ये जो एक प्लेटफॉर्म है, तो ये आने वाले यूथ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से इनका फ्यूचर ब्राइट होने के 100% चांसेस है। सर ने बहुत सारे मूवीज में, एल्बम्स में, मतलब न्यू जो यूथ आते हैं, न्यू चेहरे जो आते हैं जिन्हें मतलब कहीं मौका नहीं मिलता है, उन्हें मौका दिया है आगे बढ़ने का। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सर का कि इन्होंने मुझे चांस दिया अपने साथ जुड़ने का, और हम आगे अपनी जो यहाँ से यूथ आने वाली है, अभी हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म और एक उनकी पहचान बनाने वाले हैं, जो जिसके थ्रू वो उन्हें पहचाने। बाकी सब लोग जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं मिल पाता है, अभी यहाँ से उनका लेवल चालू हो जाएगा, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। विजय जी, क्या लगता है आपको, विदर्भ में इतना टैलेंट है कि आप मुंबई यहाँ से ले जा सकते हैं लोगों को आके? जी, ऐसा है, विदर्भ में नहीं, हमारे पूरे देश में बहुत सारा टैलेंट है, बट कहते हैं ना, हर किसी को वो बड़ा मंच नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। हर किसी के बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, इसलिए हमने ये डांस ऑडिशन लिया, बॉलीवुड बिगेस्ट डांस ऑडिशन जो रुजे वेंचर ने प्रेजेंट किया है। इसमें हम हर साल अच्छे अच्छे नए नए आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं, टैलेंट जिनके अंदर है, जिनको हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें और उन्हें काम दे सकें और उनको एक बड़ा मंच दे सकें जो वो डिजर्व करते हैं। सर, यूज वर्ड तो ऐसा हो गया कि आप यूज करेंगे और ऐसा लगता है कि फेंक देंगे फिर। नहीं नहीं, कहने का वो मतलब नहीं है कि यूज करेंगे और फेंक देंगे। यूज बोले तो उनका टैलेंट यूज करना है, टैलेंट यूज करेंगे
तो वो ही आगे दिखेंगे, अगर यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे दिखेंगे। मेरे साथ अब जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ, कोई नागपुर का चैनल या नेशनल चैनल वाकिफ, हर चैनल हर जो वाकिफ है चेहरे से एंकर परेश, जो बॉलीवुड की न्यूज़ें अक्सर कवर करते हैं, आपको मनोरंजन हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, एंकर परेश मेरे साथ मौजूद है। परेश जी, सलीम जी, क्या लगता है आपको नागपुर के अंदर जो है जिस तरीके से ये इवेंट लिया जा रहा है, यहाँ के हुनर विदर्भ की अगर बात की जाए, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ऑरेंज नगरी से लेके जाकर महानगरी पे उनको ले जाया जा रहा है, तो महानगरी में एक बार जो चले जाता है तो ऐसा लगता है एंकर परेश नहीं बल्कि बड़े परेश बन जाते हैं। नहीं, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं भी एक आम फैमिली से ही हूँ और ज्यादा कुछ मैंने भी नहीं किया, पर मेहनत अगर करते हो तो आप हासिल भी कर लेते हो। और जब सारी चीजें आती है, हम लोग जब कला क्षेत्र में, मैं भी आर्ट से ही था, मैं पहले एक्टिंग करता था, डांसिंग करता था, सारी चीजें करते करते खैर एंकर परेश बना, मुझे भी नहीं पता चला। और आज एंकर परेश लोगों को हंसाता है, जैसे आपने कहा अभी हाल ही में, इसके पहले भी हमने कुछ वर्क किया तो एक दो अवार्ड भी मिले हैं मुझे। तो मैंने जब सोचा कि मैं यार जब मैं वहां कर सकता हूँ और मैं वहां जा सकता हूँ तो क्यों ना और कई कलाकारों को ले जा सके, इसीलिए मैंने ओपीआई यानी ओपन प्लेटफॉर्म इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन किया है। बॉलीवुड रिपोर्टर हूँ, सभी से मिलना होता है, सभी से जुलना होता है, सारी चीजों के सभी प्रोडक्शन हाउस के साथ में। तो ओपीआई उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं और डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते, जैसे आज इनका एक कंसेप्ट था जो आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनसे जुड़ नहीं पाते। तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट से अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से जोड़ने के लिए ओपीआई तैयार हुआ है। ओपीआई में होता कुछ नहीं, कोई एक अगर आर्टिस्ट है उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नॉर्मल चीज के और फिर डायरेक्ट उसको कंटेंट वहां से। परेश जी, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप बॉलीवुड के अलग अलग कलाकार अलग अलग अदाकारों के वॉइस निकालते हैं, मैं चाहता हूं कि विदर्भ के कलाकार जो है, विदर्भ के टैलेंटेड बच्चे जो है, नाने पाटेकर की आवाज में आप उनको महानगरी तक बुलाएं। मुझे पता था कि हम लोग रिपोर्टर हैं ना दोनों, तो सही है, तो चलो नाना पाटेकर एक दूसरे पे काड़ी करेंगे। जी जी जी, ये दोस्ताना होता है हमारा। तो मैं नाना पाटेकर की आवाज में आज के प्रोजेक्ट के बारे में थैंक यू कहना चाहूंगा। वह क्या बात है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म लाया है बॉलीवुड बिगेस्ट डांस ऑडिशन। अरे भाई, डांस का काम एक्टिंग डांसिंग सिंगिंग सबका ऑडिशन था, हम सब ने दिया अच्छा प्लेटफॉर्म था, चुनिंदा लोगों को चुनने वाले हैं, उन्हें काम देने वाले, कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो मैं कहूंगा भाई जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ आए, और अगर जो कोई रह चुका है तो ओपन प्लेटफॉर्म इंडिया पे भी आ सकते हैं, वहां से आपको यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट ऊपर पहुंचाएंगे? नहीं जी, यहाँ पहुंचाया जाएगा, उनका पहुंचाएंगे, उनके करियर बनाने में हम कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ये थे मेरे साथ एंकर परेश और बात कर रहे थे पूरी बॉलीवुड की टीम की, और नागपुर से जिस तरीके से, विदर्भ से जिस तरीके से टैलेंटेड बच्चों को उठाया जाता है, कहीं ना कहीं हर किसी का हुनर एक छुपा होता है और अगर हुनर सामने आता है तो उनको रास्ता, उनको प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिल जाता है। और इस इवेंट की एक बात करूं, INN24 न्यूज इस इवेंट पे मीडिया पार्टनर था। कैमरामैन अविन अंकुश नाहरकर के साथ सलीम रहमान, नागपुर। Hello, this is Palak Nas and you are watching INN24. Hi, my name is Pooja Sharma and you are watching INN24.